नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्यों और आकलन को लेकर है। इसी इकाई द्वितीय हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्यों और आकलन के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा अंतर्गत क्रियाएं। हमें कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, क्या यूं कहे कि अधिगम शिक्षण के लिए हमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति की आवश्यकता होती है और उद्देश्यों की प्राप्ति के अंतर्गत हमें कौन कौन सी क्रियाएं अपेक्षित क्रियाएं जो कक्षा कक्षीय वातावरण में करानी पड़ती हैं, तो उन कक्षा कक्षीय वातावरण की प्रक्रिया में हम कौन कौन सी गतिविधियों को करा सकते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, आरोह अवरोह पूर्वक गीत एवं कविता का पठन। हम कक्षा में सबसे पहले आदर्श वाचन करें, आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन करें, अनुकरण वाचन भी करवाएं और उसके बाद में हम आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए हम कक्षा में किसी गीत, बाल गीत, लोकगीत अथवा कविता का पठन करवाएं। ये क्रिया है हमारे लिए सर्वप्रथम और एक कह सकते हैं कि आधारभूत क्रिया है। उसके बाद वाचन में स्वाभाविक तौर पर लय एवं गति और विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम वाचन में स्वाभाविक तौर पर किसी पाठ के अध्ययन या पठन को लेकर हम आदर्श पठन कर लेंगे, पठन कर लेंगे, उसमें लय और गति और ताल का भी हम ध्यान रखेंगे और इन लय गति के साथ में हम उस भाषा में दिए गए विराम चिन्ह, जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, विराम चिन्ह है, विस्मयादिबोधक है, इन सभी जो चिन्ह हैं भाषा के लिपि के चिन्ह हैं उनका हम विशेष ध्यान रखना चाहिए और बालकों को भी इनका ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद में इस बात का ध्यान रखिए कि ये इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो इससे क्या होगा, बालकों को लाभ क्या होगा, इससे शुद्ध उच्चारण एवं व्याकरण के नियमों का पालन करने की आदत का विकास होता है। हम विराम चिन्हों का ध्यान रखेंगे, हम लिपि चिन्हों का ध्यान रखेंगे, हम तमाम सारी बातों का ध्यान रखेंगे, तो इससे ये होगा कि हम बालक जो है वो व्याकरण के नियमों का पालन करना सीख जाएगा और व्याकरण का नियम पालन करने के साथ साथ वो शुद्ध उच्चारण की ओर भी प्रवृत्त होने लगेगा, जिससे उसका भाषाई विकास तीव्र गति से होगा। इसके बाद है कविता कंठस्थ करने में शुद्ध उच्चारण। कविता को कंठस्थ करने में शुद्ध उच्चारण, पठन गति, लय आदि का विकास होता है। यदि हम किसी कविता को कंठस्थ करते हैं उसमें तो हमारा उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। उच्चारण की शुद्धता मतलब शब्दों को शुद्ध तरीके से बोलने के बारे में, और हमारी जो पठन गति है वह भी नियंत्रित हो जाएगी, साथ ही साथ में लय का भी विकास होता रहेगा, जिससे कि बालकों के पठन में विशेष योगदान रहता है। तो हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमें पठन और लय और गति का भाषा के पठन लेखन में किस प्रकार का योगदान रहता है। अगला बिंदु है मौन पठन की प्रक्रिया। मौन पठन की प्रक्रिया या मौन पठन की प्रक्रिया साथियों गद्य में विशेष तौर पर होती है। गद्य के पठन पाठन में मौन वाचन का विशेष महत्व है, तो गद्य से
आत्मशक्ति का विकास होता है। यदि हम मन मंथन करते हैं तो हमारे अंदर निहित आत्मशक्तियों का विकास होता है और आत्मशक्तियों के विकास के साथ साथ हमारे अंतर्गत हमारे बोध शक्ति का विकास भी होता है और बोध शक्ति का विकास होता है और हमारे अंतर्गत ज्ञान शक्ति का विकास भी होता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें मन मंथन की ओर अंगों को प्रयोग करना चाहिए। तो आज की वीडियो व्याख्यान में साथियों इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।